आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। सावन के पहले सोमवार को पूर्वी चंपारण के अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कोरोना के कारण दो सालों से बंद पड़े बाबा के पट के इस साल खुलने पर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह बना हुआ है। पूर्वी चंपारण के अरेराज में स्थित बाबा सोमेश्वरनाथ महादेव पर उत्तर बिहार के जिलों सहित नेपाल के बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज सुबह से प्रशासन के अधिकारी कड़ी निगरानी में जलाभिषेक करा रहे हैं। गोविंदगंज के भाजपा विधायक सुनील मणि तिवारी सुबह में ही मंदिर पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक किया और व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल श्रद्धालुओं की अधिक संख्या है, जिसके अनुसार व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि बाबा भगवान शिव के बनने वाले कॉरिडोर से अरेराज धाम को जोड़ा जाएगा। वहीं मंदिर में महंत रविशंकर गिरी ने कहा कि दो सालों के बाद मंदिर का पट खुला है, जिससे श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा नजर आई है, जिसके कारण मध्य रात्रि में ही पट खोल दिया गया है। उत्तर बिहार ब्यूरो विनोद कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। आज प्रथम सोमवार के अवसर पर सभी श्रद्धालु भक्तों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई है, शुभकामना है, मंगल कामना है। दो वर्ष बाद आज श्रावण मास 2022 के मेले का आयोजन हो रहा है, इसके मद्देनज़र श्रद्धालुओं का जनसैलाब आप देख पा रहे हैं, उमड़ पड़ा है। 1:30 बजे ही मंदिर का पट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ और जलाभिषेक के लिए खोल दिया गया है और 100 किलोमीटर की चतुर्दिक दिशाओं से भक्तगण विभिन्न जल स्रोतों से जल लेकर के भगवान सोमेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बार 4 सोमवारी पड़ने वाला है, जिसमें आज पहला सोमवारी समापन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। विशेष रूप से लोग अपने मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए भगवान के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए अगर कॉरिडोर बनेगा तो अरेराज बनेगा और अरेराज धाम बनेगा। इसके लिए मोहन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राज में लगा है जो बिहार का एक पूछे कि द्वितीय काशी है और ये काशी के लिए आज इतना भव्य व्यवस्था यहाँ पर मोहन जी के द्वारा हुआ है कि किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ स्वार्थ अगर छोड़ दीजिए तो ये मैंने एक बनारस के बाद देवघर के बाद तीसरा स्थान जो अरेराज का है और इसका महत्व है। ये यहाँ पर मनसा है, जो यहाँ पर मनसा से जो पूजा करते हैं वो भगवान सोमेश्वरनाथ निश्चित रूप से उसकी पूरी करते हैं और प्रत्येक बरसते की मंजर सही होना चाहिए। और आज जो यहाँ पर अपार भीड़ हुआ है ये व्यवस्था का प्रतीक है और आने वाले दिन में भी इससे ज्यादा भीड़ होगा। अनुभव करते हुए जलाभिषेक करेंगे और संतुष्ट होकर करके यहाँ से जाएंगे। तैयारी के मद्देनजर 12 बजे रात से ही फोर्स को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। हमारे पास 300 फोर्स जिला से आई है और अनुमंडल पदाधिकारी के आवास और हमारा जो गुलाबी नदी का जो किलिहाने बहादुरपुर मोड़ है वहाँ पर बैरियर लगा कर करके वाहन को शहर में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। आज सुबह मंदिर 2 बजे प्रांगण मंदिर की गर्भगृह को खोल दिया गया है और पहला सोमवार के चलते पुरुष और महिला श्रद्धालुओं की भीड़ तो है, लेकिन हम लोग उन लोगों को सुविधाजनक तरीके से जलाभिषेक करवा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।